स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हो, इस रील को आप इजीली कैसे बना सकते हो, चलो तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप इजीली वीएन ऐप की मदद से बना पाओगे, तो वीएन ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। अगर आप ट्रेंड बनाते रहते हो तो आप वीएन ऐप आपके पास ज़रूर होगा, बिकॉज वीएन ऐप काफ़ी ईजी रहता है एंड इस पर कोई वाटर मार्क भी नहीं आता है। तो चलो तो जल्दी से वीएन ऐप को खोलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। सो गाइस, जैसे ही आप वीएन ऐप खोलोगे आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा, तो इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाकर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इधर से गाइस आपको एक ब्लैक पार्ट लेना होगा जो कि आपको अभी नहीं मिलेगा, तो आपके पास जो भी फ़ोटो हो उसे फ़ोटो ले लेना, बिकॉज लास्ट में आप फ़ोटो लगाओगे या फिर आप वीडियो लगा सकते हो अगर आपके पास वीडियो है तो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ अपनी सिंपल सा फ़ोटो। ठीक है, इसमें हम सब इफ़ेक्ट लगाएंगे, थंडर वाले भी लगाएंगे, तो ईज़िली आप लगा सकते हो, वो भी बता दूंगा आगे। ठीक है, सो गाइस अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इधर आप लास्ट में आओगे तो आपको ये प्लस वाला आइकन दिखता है, इधर आपको मटेरियल का ऑप्शन दिखता है, तो इधर से आप अपना एक ब्लैक पार्ट चूज़ कर लोगे। इस ब्लैक पार्ट को आप ऐसे दबाए रखोगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे करने से आगे आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले म्यूज़िक ऐड करना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, ऊपर आके से आपको म्यूज़िक मिल जाएगा। म्यूज़िक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारे लिंक्स एक साथ दे दूँगा। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो। सो गाइस, हमारा करीब 16 सेकंड का म्यूज़िक है। सो फिलहाल अभी हम बताते हैं कि आपको ये ब्लैक पार्ट कितने टाइम तक रखना है। ठीक है, पार्ट है इसे आपको रखना है 6.39 सेकंड तक। ठीक है, तो आप 40 भी कर सकते हो, 6.40 सेकंड्स। अभी आपको करना कैसा है तो वो बता देता हूँ आपको। सिंपल सा अपने इसे गाइस ऐसे आगे करोगे, सो आप ऐसे देख सकते हो, नीचे आपको सेकंड्स दिखेंगे। ठीक है, तो 6.40 सेकंड्स का करना है ना, सो आप इजीली 6.5 सेकंड के एक पीछे रखना, तो आपका 6.47 ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर सामने देख भी सकते हो, मैंने ईजिली आपको करके बताया। अभी आपको क्या करना है, सबसे फिर आपकी ये फोटो या वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, ये ओरिजिनल पे आने के बाद आपको 9x16 कर लेना है, तो आपका ये इंस्टाग्राम के रील सेक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो उसका भी यही सेम फॉर्मेट रहता है। अभी गाइस आपके पास अगर आपका ये फोटो है तो आपको इस फोटो को बड़ा करना है, बिकॉज आपका म्यूज़िक बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका करीब 16 सेकंड का जैसे मैंने बताया, तो इस फोटो को आप उधर तक रख सकते हो, बिकॉज अभी इसमें थंडर इफेक्ट्स आएंगे तो उसके हिसाब से ईजिली ये सेट कर लेगा। बाकी अभी आपको एक और चीज़ बता दूँ, वीडियो है अगर वो आपकी 16 सेकंड तक नहीं हो रही, कम सेकंड की है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप कम सेकंड का बनाते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, बट आपका ट्रेंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम करना है अपने लिरिक्स लगाना है। अभी लिरिक्स को आप लिख भी सकते हो इसलिए, बिकॉज लिखना थोड़ा आपको कठिन पड़ सकता है, बिकॉज आपको अच्छी लिरिक्स अगर वैसी लिखनी है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ तो वो आपकी अलाइट मोशन से बनेंगी। ठीक है, तो अलाइट मोशन से अगर आप बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी अगर मैं बताने बैठ गया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन पे दिख रहा है, इस पर आपको वीडियो एंड फोटो पे जाके जो लिरिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगेन बता दूँ, तो उसे आपको सिलेक्ट करके इधर लगा लेना है। जैसे ही आप लगा लेते हो तो आपके पास इधर लिरिक्स आ जाती हैं, इसे आप इजीली कहीं भी सेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मैंने इधर सेट कर लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपल सा गैस अपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको इसे वाले ऑप्शन के आने के बाद आप स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक स्क्रीन ले लेगा, और आप देख सकते हो आपकी लिरिक्स ऑटोमेटिक आने लगी हैं। ठीक है, सो इधर आपको इतना काम हो गया। अभी थंडर इफेक्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपकी वीडियो है तो उससे आप थंडर इफेक्ट भी लगाओगे। तो सिंपल सा आप इस वीडियो से लगाओगे, मतलब मेरा फोटो है, अगर आपका फोटो है तो अच्छी बात है, सिर्फ आप फिर से इस पर क्लिक करोगे ये थर्ड वाला ऑप्शन पे, एंड वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन जाओगे, इसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इसे भी सिलेक्ट कर लेना इजीली। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो को भी आप अपने ऐसे पूरे वीडियो पर फैला लोगे। ठीक है, अभी दो तीन चीज़ें इससे मैं बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, फिर इसे भी आप स्क्रीन वाले ऑप्शन पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन जाके स्क्रीन वाले ऑप्शन कर दोगे। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो इसमें आपको इजीली ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे वाटर भी दिख रहा है। अभी आप वाटर हटाना चाहते हो तो ईजिली हटा सकते हो, वो कैसे हटाना है चल दो जल्दी से बता देता हूँ आपको। सो गाइस इसे हटाने के लिए आप सिंपल सा क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्रॉप कर सकते हो आके, क्रॉप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर आपको सिंपल सा क्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसे सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसे मतलब ऊपर जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका थंडर इफेक्ट दिखेगा सिर्फ, तो अभी देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें सिर्फ थंडर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी इस थंडर इफेक्ट को आप ऊपर थोड़ा ऐसे सेट कर सकते हो, सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखेगा, नीचे ज़मीन तक नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ईजिली कर सकते हो।
एक और चीज़ आप कर सकते हो, तो बता देता हूँ, एडिटिंग वीडियो बड़ी हो रही है बट काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अगर आपका ऐसे थोड़ा दिन है, ऊपर आसमान में दिन है आपका, तो आप क्या करोगे, इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस, ये ऑप्शन आपका एडजस्ट का होता है, वो फिल्टर में जाके आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर से आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्राइटनेस थोड़ी लो कर सकते हो, ठीक है। तो लो करने से आप बस इतना आप दिखो, तो उतना लो करना, ठीक है, तो और अच्छे ठंडे इफेक्ट दिखेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इतना था इस वीडियो में, पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल आखिरी में बोल रहा हूँ, शुरू में नहीं बोला बिकॉज मैं चाह नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब हो। फिलहाल वो एडिटिंग ज़रूर सीख गए होगे, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ से चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।